आराम से आना। तो इस वाली खेत को हम जा रहे हैं। चले मेरी शायद आना अपने। तो कुछ इस तरह का ही लग रहा है यूज। हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 10 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ खेत, क्योंकि खेत में ना आलू की निराई करने को है। और अभी हाथ भी अपने चाचू के पास है, तो मैं सोच चलो अभी थोड़ा टाइम है तो चलते हैं खेत। और आप देख सकते हैं अनायशा भी आजकल हमारे घर आई है, तो अनायशा भी अभी जा रही है मेरे साथ खेत। तो ये ग्लव्स लेके आ गई है, और अनायशा की आज ने चुंडियाँ बनाई है। तो खेत जाने से पहले ना मुझे सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर धूप है और एक तो मेरा फेस ऐसे ही आजकल खराब हो गया है, तो धूप की वजह से और खराब हो जाएगा। तो पहले मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो बस यही फेस पैक किया, सनस्क्रीन भी लग गया मेरा। तो अब चलते हैं हम। हेलो गाइस, और मासी ने हमने कर ली एक ये फ्लावर पॉट और ये फ्लावर नाए थे। कैसे लगे आपको ये? बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे लगे, कमेंट किए थे, तो ये हमने बनाया। तो बस अभी चलते हैं। और अनायशा चले खाने, yes. खाने को क्या ले जाना? ये केक में तो नहीं खा। आदि आदविक आदि हाय। बाय 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 कर आदि, बाय बाय बाय। चले मेरी शायद आना अपने। आराम से आना। तो इस वाली खेत को हम जा रहे हैं। कौन सा? ये वाला? ये स्टोर रूम हमारा, यहाँ पे हम सामान रखते हैं, राशन पानी। आराम से आना। तो यहाँ पे करनी है हमें निराई। यहाँ पे प्याज हो गया है बहुत लंबा लंबा अनायशा, और ये रहा हमारा घर ऊपर, दादाजी ऊपर से देख रहे हैं। तो गाइस देख रहे हो अभी मासी कर दिया काम। तो चलते हैं मासी के पास। हाउ आर यू मासी? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट आर यू डूइंग मासी? आई एम विदाई कर रही। अच्छा, विदाई कर रहा। किस चीज की? आलू। आलू 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 की अभी कहाँ? अभी अपने प्रिया चाची के पास है। किसके पास? अपने प्रिया चाची। प्रिया चाची? प्रिया मतलब प्रिया क्या होता है? प्रिया नाने का नाम होता है। प्रिया का मतलब होता है आप भी को अपने घर बहुत प्यारी लगती है, आपकी प्रिया चाची। तो अभी हम खेत से आ गए हैं, और अभी ना धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, तो मुझे गाय को पानी भी देना था, तो हम जल्दी घर आ गए। और यहाँ देखिए आदविक। हाय मम्मा। हाय मम्मा जी। और आज ना मैं इस वाली साड़ी को सिलाने वाली हूँ, इसका आज मैं बनाऊंगी फ्रॉक सूट इस साड़ी का। तो आप सब देखना सिलने के बाद कैसा लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अनायशा भी खा रही है ऑरेंज। मुझे ऑरेंज पसंद है क्योंकि हाँ भी देखिए क्या खा रहा है आदि। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और अब मुझे इसको सिलना है। सबसे पहले मैं इसकी बाजू सिलूंगी, और बाजू में भी इस तरह का ही बॉर्डर लगेगा। और हमारे पास ना घेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साड़ी बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा फ्रॉक सूट बनेगा। बाकी देखते हैं कैसा बनता है।
अभी मासी कर रही है तो काम करते करते यहाँ पर हमारा मोटू सेट भी कर खेल रहा है। कपड़ा जॉर्जेट फैब्रिक का। ओके, तो आज इतने टॉय पकड़ा अपना। कैसी चल रही है आपकी आजकल की सिलाई? मासी अब सिल रही है बहुत सारा। मासी अब मेरे को मासी फ्रॉक बनाएगी और मम्मा को फ्रॉक वही बनाएगी। तो अभी मेरा फ्रॉक सूट रेडी हो चुका है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है और कैसी इसकी फिटिंग आई है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बना है। तो जो हमें इसमें ब्लाउज़ का कपड़ा मिला था उसका, वो कपड़ा कॉटन में है और जो बाकी था साड़ी का घेरा वो था जॉर्जेट में, और ये बाजू जॉर्जेट के हैं, ये ब्लाउज़ के कपड़े का बना हुआ है ऊपर वाला हिस्सा। और यहाँ पे मैंने साड़ी का बॉर्डर यूज़ किया है, बाजू में भी आगे साड़ी का बॉर्डर लगाया है। बाकी इस तरह से इसमें प्लीट्स डाली है मैंने। तो बाकी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ और फिर आप देखना कैसा लग रहा है। अभी मैंने इस फ्रॉक सूट को वियर कर लिया है और कैसा लग रहा है अनायशा दिखाएगी आपको फुल लुक कैसा लग रहा है। और वैसे ना मैंने इसका गला थोड़ा डीप रखा है इस बार, नेक का ज़्यादा डीप नहीं है ये देखिए। तो लेंथ मुझे इसकी थोड़ी कम लग रही है। तो कुछ इस तरह का लग रहा है ये फ्रॉक सूट, ये आप देख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके साथ के लिए मैंने दुपट्टा भी सिला है क्योंकि कपड़ा बच गया था, तो मैंने इसके लिए एक दुपट्टा भी सिला इससे अच्छा पजामा बना देते आप। तो ये दुपट्टा भी मैंने इसके साथ के लिए सिला है और साइड में इसमें पूरे में बॉर्डर लगा हुआ है और घेरा इसका थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं चल पड़ेगा। देखिए लेंथ भी ठीक ठाक ही है, मतलब बच गया था कपड़ा और उसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया। तो कुछ इस तरह का ही लग रहा है यूज़। तो अभी थोड़ा सा मेकअप करती हूँ फिर थोड़ा रेडी होते हैं, एक दो रील भी बनाते हैं क्योंकि इतना कष्ट अगर कर ही लिया है फ्रॉक को पहना है तो रील भी बनाते हैं। हंस रही है। सो अभी मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ और ये मैंने इयररिंग बने हैं, बहुत भारी हैवी, बहुत हैवी है। तो बस अभी एक दो रील्स शूट करते हैं। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रील्स देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा। तो बस